प्रीतम सिंह और वीर सिंह अच्छे दोस्त थे। प्रीतम ने अपनी बेटी पूर्वी की शादी वीर सिंह के बड़े बेटे विवेक से बचपन में ही तय कर दी थी। जब विवेक और पूर्वी बड़े हुए तो दोनों ने घर वालों के कहने पर शादी के लिए हाँ कर दी। वीर सिंह का दूसरा बेटा अक्षित बचपन से अपनी बुआ जी के साथ रहता था। साल में एक से दो बार अपने माता पिता से मिलने आता था। अब अनित की पढ़ाई खत्म हो गई थी तो कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी और पापा जी के पास आ गया था। उर्मिला जी वीर सिंह की बीवी है, विवेक और अक्षित की माँ भी है। विवेक और पूर्वी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों की सगाई हो गई थी, 3 महीनों में दोनों की शादी होनी थी। ये 3 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला। अक्षित ने अपने भाई की शादी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी थी। वीर सिंह खुश थे विवेक और पूर्वी की शादी से। अक्षित दोनों को शादी से पहले छिप छिप के मिलने में मदद करता था। पूर्वी भी प्यार से अक्षित को देवर जी बोलती है, वहीं अक्षित पूर्वी को भाभी बोलता था। विवेक को पूर्वी की खूबसूरती और पूर्वी की मासूमियत से प्यार था। विवेक भी दिखने में अच्छा था तो पूर्वी क्यों ना कहती। मेहंदी की रात पूर्वी सीढ़ियों से गिर जाती है। विवेक उस वक्त अपने घर में शादी की खुशी मना रहा था। जब पूर्वी सीढ़ियों से गिरती है उस वक्त अक्षित किसी काम से प्रीतम जी के घर था। पूर्वी सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। चारों तरफ हल्ला सुनकर प्रीतम जी और अक्षित पूर्वी को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। अक्षित बार बार बोल रहा था, भाभी हम बस अस्पताल पहुंचने वाले हैं। थोड़े देर में वीर सिंह जी और विवेक भी अस्पताल पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर बताते हैं पूर्वी जिंदगी भर लंगड़ी चलेगी। पूर्वी के दाहिने पैर की हड्डी बुरी तरह से टूट गई है। विवेक घबराते हुए बोलता है, तो क्या पूर्वी का पैर कभी ठीक नहीं होगा। डॉक्टर विवेक के कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं, अब कोई चमत्कार ही पूर्वी को ठीक कर सकता है। विवेक की आंखों में आंसू थे। विवेक बोलता है, पापा आप और अक्षित घर जाओ, मैं और अंकल जी यहाँ। वीर सिंह जी अकेले में विवेक को समझाते हैं कि तुमने अपने दोस्तों के साथ मदिरा शराब का सेवन किया था, ऐसी हालत में तुम्हें घर जाना चाहिए। विवेक बोलता है, तो प्रीतम अंकल के साथ कौन रुकेगा। पीछे खड़े अक्षित बोलता है, मैं रुकता हूँ अंकल जी के साथ। वीर खुशी से अक्षित के सर पर हाथ फेरते हैं और बोलते हैं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। प्रीतम सिंह और अक्षित दोनों अस्पताल में रुक जाते हैं। प्रीतम सिंह काफ़ी थके हुए थे तो वो वहीं पर अपनी कमर सीधी करने लगे थे। अक्षित ने प्रीतम सिंह जी को आराम करने को बोला, अंकल जी मैं हूँ यहाँ पर, आप थोड़ा आराम कर लो। प्रीतम सिंह जी आराम करने जाते हैं। प्रीतम सिंह जी बोलते हैं, बेटा अक्षित मैं यहीं पर हूँ, बेटी की ऐसी हालत में नींद तो आएगी नहीं, जब पूर्वी को होश आया तो मुझे बता देना। अक्षित बोलता है, अंकल जी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अक्षित वहीं पर बैठकर चाय पीने लगा। तभी नर्स ने अक्षित को बुलाया और बताया कि आप उनके साथ भी बैठ सकते हो, जब उन्हें होश आए तो उन्हें ये दवाई दे देना। थोड़ी देर में प्रीतम सिंह जी वहाँ आ जाते हैं। अक्षित बोलता है, अंकल जी अभी होश नहीं आया है पूर्वी को, नर्स ने ये दवाई दी है, जब भाभी को होश आएगा तो उन्हें ये दवाई देनी है। प्रीतम सिंह बोलते हैं, बेटा अक्षित तुम बिल्कुल अपने पापा जैसे हो, साफ दिल और समझदार। अक्षित पूर्वी के पास जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में पूर्वी को होश आया तो पूर्वी ने हल्की आवाज़ में बोली, अक्षित तुम यहाँ, तुम्हारे भाई कहाँ हैं। अक्षित ने झूठ बोला कि भाई अभी घर गए हैं, बहुत परेशान थे वो आपके लिए। पूर्वी दवाई लेकर सो जाती है। सुबह नर्स पूर्वी के पास आती है। पूर्वी नर्स से पूछती है, वो कहाँ है जो मेरे साथ थे। नर्स प्यार से बोलती है, मैडम आप बहुत लकी हो जो इतना चाहने वाला पति मिला है आपको। पूर्वी सोचती है नर्स विवेक की बात कर रही है। पूर्वी शर्माते हुए बोलती है, शादी तो आज थी हमारी, लेकिन अब कुछ दिनों बाद ही होगी,
तभी नर्स इशारा करते हुए बोलती है, लो जी आ गए आपके होने वाले पति। पूर्वी भी खुशी से दरवाजे की तरफ देखती है। दरवाजे पर अक्षित को देखकर पूर्वी नर्स को बताती है कि वो लड़का मेरा देवर है। नर्स ने हैरानी से बोला, कल रात से आपके देवर ने ही आपकी सेवा की है। अक्षित दरवाजा पर खड़ा किसी से फोन में बात कर रहा था। तभी पूर्वी ने अंदर आने का इशारा किया। इसी बीच प्रीतम जी भी अंदर आ गए। प्रीतम जी ने पूछा, अब तबीयत ठीक है तुम्हारी? पूर्वी हकीकत से अनजान थी कि अब वो जिंदगी भर लंगड़ा के चलेगी। पूर्वी को लगा शायद कुछ हफ्तों में वो पहले की तरह ठीक हो जाएगी। अक्षित पूर्वी के पास आया और बोला, भाभी जी क्या हुक्म है मेरे लायक? पूर्वी हंसते हुए बोलती है, तुम्हारा भाई विवेक कब आएगा? अक्षित अपनी भाभी के साथ मजाक करते हुए बोला, लगता है जहाँ पनाह की याद आ रही है। अक्षित संजीदा होते हुए बोलता है, अभी भाई से ही बात कर रहा था, बस पहुँचने वाले हैं। प्रीतम सोचता है अगर पूर्वी को सच्चाई बताई तो पूर्वी की खुशी गायब हो जाएगी। थोड़ी देर में विवेक आता है अपने पापा और मम्मी के साथ। पूर्वी खुशी से विवेक को देखी जा रही थी, लेकिन विवेक परेशान था। पूर्वी सोचती है शायद मेरी हालत की वजह से विवेक परेशान है। कुछ ही दिनों में पूर्वी घर आ जाती है। दिन गुजर रहे थे। पूर्वी जब भी विवेक को कॉल करती तो विवेक काम का बहाना करके कॉल काट देता। भोली पूर्वी हकीकत से अनजान थी। एक दिन पूर्वी को विवेक की आवाज़ सुनाई दी। जब उनकी बात सुनने के लिए बाहर की तरफ गई तभी विवेक की आवाज़ आई, मैं पूर्वी से शादी नहीं कर सकता। ये सुनते ही पूर्वी के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। पूर्वी ने उनकी बात सुन ली। फिर वीर सिंह जी हाथ जोड़कर प्रीतम जी के सामने माफ़ी मांग रहे थे अपने बेटे की हरकत के लिए। वीर सिंह जी बोलते हैं, मुझे पूर्वी अपनी बहू के रूप में आज भी स्वीकार है, लेकिन विवेक को पूर्वी के लंगड़ेपन से दिक्कत है। विवेक गुस्से में बोलता है, एक अपाहिज लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता, जिंदगी भर मैं एक अपाहिज लड़की के साथ कैसे रह सकता हूँ? पूर्वी अब जान चुकी थी कि वो अब जिंदगी भर ठीक से नहीं चल सकेगी। प्रीतम जी अपनी बेटी के लिए परेशान थे। प्रीतम जी सोचते हैं, खास आज पूर्वी की माँ जिंदा होती तो मैं अपने गम उससे बांटता। प्रीतम की बिगड़ती तबीयत देखकर वीर बेचैन हो गया। वीर सोचता है, अगर मैं अक्षित से पूर्वी की शादी करवा दूँ, लेकिन अक्षित के शादी के फैसले तो मेरी बहन ही करेगी। वीर सिंह अतीत में खो जाते हैं। मेरी बहन रश्मि ने एक हादसे में अपने बेटे को खो दिया था। रश्मि की बिगड़ती हालत देखकर हमें अक्षित को अपनी बहन रश्मि को देना पड़ा। अपने दिल पर पत्थर रखकर हमने अपना 2 साल का बेटा अक्षित रश्मि को दे दिया। जब तक रश्मि ठीक हुई तब तक अक्षित 12 साल का हो गया था। रश्मि ने मुझसे विनती की, वो अक्षित को पालना चाहती है, अक्षित आपका बेटा है तो मैं आप दोनों के बीच में कभी नहीं आऊँगी। वीर सिंह यानी मैं खुश था कि मेरी बहन रश्मि अब ठीक है। जब भी हमारा अक्षित को मिलने का मन होता तो हम उससे मिल रश्मि के घर चले जाते। अक्षित भी रश्मि को बुआ जी बोलता था, लेकिन रश्मि की शर्त थी कि वो अक्षित की अपनी पसंद की लड़की से करेगी। वीर सिंह अब वर्तमान में आ गए थे। वीर सिंह जी सोचते हैं, कैसे बताऊं रश्मि को कि मैं किस प्रॉब्लम में फंस गया हूं? अक्षित आज रश्मि को लेने गया है, दोनों पहुंचने वाले होंगे। तभी दरवाजे में रश्मि जी और अक्षित दस्तक देते हैं। रश्मि और वीर में मेल मिलाप होता है। अक्षित अपने कमरे में जाता है जहां उसे विवेक नहीं दिखता। अक्षित सोचता है, जरूर विवेक भैया भाभी से मिलने गए होंगे। हकीकत से अनजान अक्षित पूर्वी से मिलने उसके घर जाता है। शायद उस वक्त प्रीतम जी घर से बाहर थे। पूर्वी को देखकर अक्षित जोर से बोलता है, भाभी जी कैसी हो आप? पूर्वी अभी विवेक की बातों से वैसी ही परेशान थी और अक्षित का भाभी बोलना आज पूर्वी को सुई की तरह चुभ रहा था। पूर्वी अक्षित की बात को अनसुना करके वहाँ से जाने लगती है। अक्षित हैरान था, आखिर आज पूर्वी भाभी को क्या हो गया? तभी अक्षित प्रीतम को आते देखता है। अक्षित पूछता है, अंकल जी
भाभी को क्या हुआ, वो मेरी बातों को अनसुना कर रही है। प्रीतम जी सारी बात अक्षित के समझ रख देता है। अक्षित हैरान था, ये कैसा प्यार है विवेक भाई का, जो पूर्वी को बुरे वक्त में अकेला छोड़ रहा। अक्षित प्रीतम जी को समझाता है कि विवेक भाई ऐसे कैसे रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं। पूर्वी भाभी एक साफ दिल की लड़की है, जो आज के वक्त में बहुत कम देखने को मिलती है। पूर्वी भाभी और विवेक भैया तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, ये हादसा ही उनकी प्रेम की परीक्षा है। ऊपर खड़ी पूर्वी उनकी बात सुन लेती है। पूर्वी सोचती है काश विवेक की भी यही सोच होती। वीर सिंह और रश्मि जी अक्षित के बारे में बात कर रहे थे। रश्मि जी ने बताया कि अब अक्षित नौकरी करने लगा है, तो सोच रही हूँ उसकी शादी के बारे में। विवेक की शादी के बाद मैं अक्षित के लिए रिश्ता देखूँगी। वैसे कहाँ है विवेक, मिलने नहीं आया? तभी घर के नौकर ने बताया कि विवेक जी तो आज सुबह ही घर से निकल गए थे। रश्मि जी गुस्सा करते हुए बोलती है, कैसे बाप हो तुम, अपने बेटे के बारे में पता नहीं? वीर सिंह बोलते हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, अगर आप गुस्सा ना हो तो। रश्मि बोलती है, बताओ वीर क्या बात है? वीर सारी बात रश्मि जी को बताता है। रश्मि जी बोलती हैं, बहुत बुरा हुआ पूर्वी बेटे के साथ, तो क्या सोचा है फिर तुमने विवेक के बारे में? वीर सिंह जी अक्षित और पूर्वी की शादी की बात रश्मि जी के समझ रखता है। रश्मि जी गुस्से से चिल्लाकर बोलती हैं, दिमाग खराब तो नहीं हो गया है तेरा, बड़े भाई की होने वाली बीवी से शादी करेगा अक्षित? वीर सिंह जी पूछते हैं, अक्षित नज़र नहीं आ रहा है, कहाँ है वो? रश्मि हल्की आवाज़ में बोलती है, तुम्हारे दोस्त प्रीतम के घर। वीर सोचता है कहीं विवेक का गुस्सा वो लोग मासूम अक्षित पर ना उतारें। तभी वीर को अक्षित का कॉल आता है। अक्षित ने बताया कि पूर्वी ने सुसाइड किया है। वीर हलकते हुए बोलता है, कौन से अस्पताल में हो तुम? रश्मि और वीर वहाँ से निकलने को होते हैं, तभी दरवाजे में किसी की दस्तक होती है। जब दरवाज़ा खोला तो वीर और रश्मि के होश उड़ गए। सामने वीर का बड़ा बेटा विवेक था, किसी लड़की के साथ, दोनों ने माला पहनी हुई थी। वीर जी कुछ बोलते उससे पहले विवेक ही बोलता है, पापा मुझे माफ़ करना। वीर और रश्मि कुछ बोले बिना ही वहाँ से चले गए। दोनों अस्पताल के लिए निकल गए। रास्ते में वीर भीगी आंखों से बोलता है, शायद मेरे लाड प्यार ने विवेक को बिगाड़ दिया। अस्पताल पहुँचते ही प्रीतम अपने मित्र वीर को लगा देता है। वीर बोलता है, कैसे हुआ ये सब? प्रीतम जी बोलते हैं कि पूर्वी को विवेक का कॉल आया था, उसने बताया कि उसने शादी कर ली है। जब पूर्वी ने अपने प्यार का वास्ता दिया तो उसने पूर्वी के लंगड़ेपन का मजाक बनाया। पूर्वी ने गुस्से में कॉल काट दिया। इतना बोलते ही प्रीतम जी रुक गए और आगे अक्षित ने बताया कि मैं जब पूर्वी से मिलने उसके कमरे में गया तो कमरे का दरवाज़ा बंद था। जब मैंने खिड़की से देखा तो पूर्वी जहर की बोतल लिए खड़ी थी। मैंने पूर्वी को रोका लेकिन पूर्वी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मेरी आवाज़ सुनकर अंकल जी भी वहाँ आ गए। इससे पहले मैं दरवाज़ा तोड़ता पूर्वी जहर की गोलियाँ खा चुकी थी। मैंने तुरंत पूर्वी को उठाया और अपनी गाड़ी में रखा। फिर मैं और अंकल जी पूर्वी को अस्पताल ले गए। तभी डॉक्टर बोलते हैं, अच्छा हुआ जो आप इन्हें सही वक्त में अस्पताल ले आए, वरना इनकी जान भी जा सकती थी। प्रीतम जी ने अक्षित को गले लगा लिया। रश्मि और वीर सिंह जी ने एक दूसरे को देखा। रश्मि ने अक्षित और पूर्वी की इजाज़त वीर को दे दी। अक्षित ने जब दरवाज़ा तोड़ा था तो अक्षित के हाथ में भी चोट लग गई थी। अक्षित पट्टी करवा देता है। रश्मि अक्षित को घर भेज देती है। अक्षित घर के लिए निकलता है, जहाँ अक्षित की मुलाकात आलिया से होती है। अक्षित हैरान होकर पूछता है, तुम यहाँ कैसे? दोनों एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। तभी विवेक आता है और बोलता है, ये तुम्हारी भाभी है। विवेक को देखकर अक्षित आग बबूला हो जाता है। अक्षित गुस्से में अपने भाई की कमीज का कॉलर पकड़ लेता है। विवेक भी गुस्से में अक्षित का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, तेरी हिम्मत जो अपने भाई से इतनी आवाज़ में बात करे? अक्षित बोलता है, तुम्हारी वजह से पूर्वी आज अस्पताल में है। विवेक तंज करके बोलता है, वो बेचारी अब कर भी क्या सकती है, अपाहिज हो गई है बेचारी, कौन करेगा उससे शादी?
उसने खुदकुशी मेरी वजह से नहीं की। विवेक की इतनी घटिया बात सुनकर आलिया भी हैरान थी। अक्षित विवेक से बोलता है, सोच तो तुम्हारी अपाहिज हो ही गई है भैया। अक्षित आलिया की तरफ देखकर बोलता है, बहुत पछताओगे भाई तुम। विवेक आलिया से पूछता है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? आलिया बोलती है, हाँ स्कूल से जानते हैं। अक्षित थोड़ा सोच कर बोलता है, और ये मेरे दोस्त की प्रेमिका थी। जब तक उसके पास पैसे थे तब तक उसके साथ थी। जब वो कंगाल हो गया तो फालतू का बहाना बनाकर उसे छोड़ दिया। विवेक बोलता है, तुझे बहुत हमदर्दी हो रही है पूर्वी से, तू शादी कर ले उससे। अक्षित हैरानी से अपने भाई को देखकर बोलता है, ना जाने क्यों मुझे आज आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपको पहली बार देख रहा हूँ। कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है, मुझे शर्म आती है आपको अपना भाई कहने में। विवेक गुस्से में बोलता है, अपनी जुबान बंद कर वरना अच्छा नहीं होगा। अक्षित हंसते हुए बोलता है, आपकी गलती का एहसास तो आपको आलिया ही कराएगी। हीरे को ठुकरा कर जिसे आपने अपनाया है वो हीरा नहीं कोयला है, इसका अंदाज़ा आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। विवेक और आलिया अक्षित की बातों को अनसुना करके अपने कमरे में जाते हैं। अक्षित भी अब अस्पताल आ गया था, जहां अक्षित को मालूम होता है कि अब पूर्वी खतरे से बाहर है। रश्मि, वीर और प्रीतम तीनों ने अक्षित और पूर्वी की शादी के बारे में सोच लिया था। बस अब उन्हें अपने बच्चों से बात करनी थी, यानी अक्षित और पूर्वी से। आलिया को विवेक की पुरानी मंगेतर पर दया आ रही थी। आलिया सोचती है, अगर कल यह हादसा मेरे साथ होगा तो विवेक तो मुझे भी छोड़ देगा। अस्पताल में दोनों परिवार अक्षित और पूर्वी के समक्ष अपनी बातें रखते हैं, जिसे सुनकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर दोनों एक साथ शादी के लिए ना बोलते हैं। अक्षित अपने पापा से बोलता है, पापा पूर्वी एक अच्छी लड़की है और मुझसे 3 साल भी बड़ी है। वीर और प्रीतम दोनों साथ में बोलते हैं, आज के ज़माने में इतना अंतर तो होता ही है। पूर्वी भी बोलती है, वो अकेले ही ज़िंदगी गुजार लेगी लेकिन अक्षित से शादी नहीं करेगी। वीर और प्रीतम दुखी थे क्योंकि दोनों में से कोई तैयार नहीं था शादी के लिए। कुछ ही दिनों में पूर्वी अस्पताल से घर आ गई। तब पूर्वी को मालूम चला कि विवेक ने शादी कर ली है। पूर्वी अतीत के पन्नों में खो जाती है, जब अक्षित स्कूल में था। इस वक्त अक्षित ने अपने कुछ दोस्तों को मिलवाया था, उन्हीं में से एक आलिया भी थी जो इस काफ़ी छोटी थी। वो छोटी सी लड़की आज इतनी बड़ी हो गई है कि उसने पूर्वी से उसका प्यार छीन लिया। पूर्वी ने अपने माता और पिता की खुशी के लिए अक्षित से शादी के लिए हाँ कर दी। उर्मिला और वीर के बार बार समझाने पर अक्षित भी शादी के लिए तैयार हो गया। लेकिन अक्षित शादी के बाद विवेक और उसकी बीवी से दूर रहना चाहता था। वीर और उर्मिला ने फिर से अपने बच्चे को खो दिया। शादी के बाद उर्मिला जी अपने छोटे बेटे अक्षित को अपने साथ रखना चाहती थी, लेकिन मजबूरी की वजह से आज अक्षित फिर से उर्मिला और वीर से दूर हो रहा था। कुछ ही दिनों में पूर्वी और अक्षित ने शादी कर ली। शादी के बंधन में दोनों ऐसे बंधे कि अब दोनों एक दूसरे से कम बातें करते थे। विवेक और आलिया भी अब दूसरे शहर में चले गए थे। विवेक का तबादला दूसरे शहर में हो गया था। अब उर्मिला और वीर ने अपने छोटे बेटे और बहू को अपने पास बुला लिया। अक्षित और पूर्वी एक ही कमरे में 2 अनजानों की तरह रहते थे। प्रीतम और वीर ने उन्हें बताया कि अब उन्हें अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करनी चाहिए। अक्षित कोशिश कर रहा था कि, लेकिन पूर्वी तो मानो जैसे विवेक के छोड़े जाने के गम से अभी तक वहीं ठहर गई हो। पूर्वी और अक्षित बीच जो थोड़ी बहुत दोस्ती थी वो भी शादी के बंधन में कहीं खो गई थी। पूर्वी पूरा दिन घर में अकेले रहती। अक्षित कभी कभी पूर्वी को घुमाने बाहर ले जाता, लेकिन वहाँ भी अक्षित ही बोलता रहता। पूर्वी चुपचाप उसकी बात सुनती। अक्षित को भी पूर्वी की चिंता होने लगी थी, कहीं दुख को दिल में रखकर पूर्वी कोई कदम ना उठा ले। अक्षित पूर्वी की छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लेता था। अगर कभी पूर्वी ने प्यार से थोड़ी बात कर ली तो उसका दिन बन गया हो। अक्षित को ऐसा लगता जैसे पूर्वी विवेक की गलती की सज़ा उसे दे रही है। अक्षित अब पूर्वी से एक तरफा प्यार करने लगा था।
अपनी पत्नी के लिए एक तरफा प्यार सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन आज भी बहुत से शादीशुदा जोड़े हैं जो एक तरफा प्यार के दम पर शादी जैसा पवित्र रिश्ता निभा रहे हैं। अक्षित कोशिश करता था कि वो पूर्वी को फिर से जीना सिखाए। अक्षित की कोशिश देखकर पूर्वी अक्षित को समझाती है, अक्षित तुम अच्छे लड़के हो, तुम एक अच्छी लड़की डिजर्व करते हो, मैं तो अपाहिज लड़की हूँ, मेरे साथ खड़े रहने में तुम्हें शर्म आएगी। अक्षित प्यार से पूर्वी को समझाता है, पूर्वी तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें प्यार करना मेरा हक है, ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मुझे तुम्हारे साथ क्यों शर्म आएगी। पूर्वी उदास होकर बोलती है, मैं अब भरोसा करने से डरती हूँ, मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे विवेक का धोखा नज़र आता है। अक्षित उदास होकर बोलता है, जब तक आप इस रिश्ते को दिल से नहीं निभाओगे उस वक्त तक कभी अपनी मोहब्बत आप पर नहीं थोपूंगा। पूर्वी के दिल में अभी तक विवेक का मोहब्बत ही थी। विवेक और पूर्वी एक दूसरे को बचपन से प्यार करते थे। विवेक को दिल से निकालना पूर्वी के लिए इतना आसान नहीं था। अक्षित जहाँ भी जाता पूर्वी को अपने साथ ले जाता। अक्षित अपने दोस्तों से पूर्वी को मिलवाता था। पूर्वी सोचती है, काश विवेक भी अक्षित जैसा होता। पूर्वी के दिल में विवेक के प्यार का पर्दा लगा हुआ था, शायद इसीलिए पूर्वी को अक्षित का प्यार नज़र नहीं आ रहा था। पूर्वी दिखने में खूबसूरत थी, इसलिए कभी मालूम नहीं चलता था कि पूर्वी उम्र में अक्षित से 3 साल बड़ी है। अक्षित पूर्वी का बहुत ख्याल रखता था। अक्षित का प्यार और अक्षित की सेवा से पूर्वी की हालत में सुधार आने लगा था। कुछ ही महीनों में पूर्वी का पैर लगभग ठीक हो गया था। पूर्वी को सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती थी, अक्षित का ख्याल रखना पूर्वी को अच्छा लगता था। अब पूर्वी और अक्षित की दोस्ती होने लगी थी। पूर्वी अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते में थी। प्रीतम सिंह जी भी खुश थे, क्योंकि अब पूर्वी को देखकर कोई भी नहीं बोल सकता था कि वो कोई अपाहिज थी। कुछ ही दिनों में अक्षित और पूर्वी की शादी की सालगिरह है। इस सालगिरह में विवेक और आलिया भी आए थे। अक्षित खुश नहीं था विवेक के आने से, क्योंकि पूर्वी के दिल में अभी भी विवेक था। शायद इसी वजह से पूर्वी ने अक्षित को अपने पति के रूप में आज तक स्वीकार नहीं किया। अक्षित और पूर्वी दोस्तों की तरह रहते थे, एक दोनों अलग अलग सोते थे, वो भी इसलिए कि वो दोनों नहीं चाहते थे उनकी वजह से उनके मम्मी और पापा को कोई परेशानी हो। शादी की सालगिरह में दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और नकली हंसी दिखाई। विवेक अक्षित को सुनाते हुए बोलता है, तो आखिर तुमने मेरी बचपन की मंगेतर से शादी कर ली। अक्षित भी हंसते हुए बोलता है, तुमने भी तो मेरी दोस्त से शादी कर ली। तभी पूर्वी आती है। विवेक हैरानी से बोलता है, तुम तो अब ठीक लग रही हो, ये चमत्कार कैसे हुआ। पूर्वी हंसते हुए बोलती है, ये तुम्हारे भाई अक्षित के प्यार और सेवा का असर है। अक्षित को पूर्वी की आंखों में दर्द नज़र आ रहा था, जैसे आज भी पूर्वी विवेक की जुदाई से दुखी हो। मामला गर्माता देख आलिया बोलती है, आप दोनों को शादी की सालगिरह मुबारक हो। पूर्वी आलिया को सुनाते हुए बोलती है, तुमने अपनी शादी की सालगिरह में हमें नहीं बुलाया। आलिया बताती है कि उन दिनों मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, इसलिए सालगिरह नहीं मना पाए। अक्षित दुखी होते हुए बोलता है, आलिया तुम्हारी मम्मी ठीक है। अब विवेक अक्षित को डांटते हुए बोलता है, नाम मत ले, भाभी है तेरी, अब तेरी दोस्त नहीं रही है। अक्षित माफ़ी मांगते हुए बोलता है, सॉरी भाभी। आलिया अक्षित को दुखी होते हुए हल्की आवाज़ में बोलती है, कोई बात नहीं देवर जी। आलिया गुस्से से विवेक को देखती है। विवेक एक बार को देखे जा रहा था जैसे पूर्वी को छोड़कर उसने कोई गलती कर दी हो। पूर्वी भी बीच बीच में विवेक को देखे जा रही थी। दूर खड़ा अक्षित सोचता है, कहीं पूर्वी आज भी विवेक भैया को पसंद तो नहीं करती। प्रीतम जी और वीर सिंह जी आज बहुत खुश थे। दोनों दोस्त अनजान थे, हकीकत से उन्हें लगता था पूर्वी और अक्षित के बीच सब अच्छा है। उर्मिला जी यानी अक्षित को माँ आज बहुत खुश थी। दोनों बेटों से मिलकर विवेक को पछतावा था। पूर्वी को छोड़ने का विवेक पूर्वी से बात करने जाता है। विवेक गुस्से में पार्टी से निकलता है। विवेक काफ़ी नशे की हालत में था।
विवेक सोच रहा था, मैंने पूर्वी को छोड़कर अच्छा नहीं किया, शायद इसीलिए विवेक और आलिया के बीच कभी प्यार नहीं हो पाया। विवेक नशे की हालत में अपनी गाड़ी का बैलेंस खो देता है और गाड़ी एक चट्टान से टकरा जाती है। कुछ अच्छे लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। उन्हीं में से किसी ने उसको पहचान लिया और तुरंत बीर सिंह जी को कॉल किया। पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा, जहां उन्हें मालूम चला विवेक अब कभी नहीं चल पाएगा। विवेक अब अपाहिज हो गया था। कुछ ही दिनों में विवेक भी घर आ गया, जहां उसे छोड़ने की बात कही। आलिया रोते हुए बोली, ये सब तुम्हारे कर्मों का नतीजा है विवेक। जो तुमने पूर्वी के साथ किया था, आज तुम्हें उसकी सज़ा मिल रही है। पूर्वी रक्षित ने आलिया को बहुत समझाया, लेकिन आलिया नहीं मानी। आलिया ने दुखी होते हुए कहा, अगर कभी विवेक ने मुझसे प्यार किया होता तो शायद मैं उसके साथ रुकने को सोचती, लेकिन विवेक हमेशा से ही पूर्वी को ही प्यार करता था। पूर्वी के साथ जो विवेक ने किया, उसका पछतावा विवेक को हमेशा से था। कुछ ही दिनों में आलिया और विवेक का तलाक हो गया। वहीं पूर्वी और अक्षित ने विवेक का ख्याल रखने की सोची। जो कर्म हम इस ज़िंदगी में करते हैं, उसका परिणाम भी हमें इसी ज़िंदगी में मिलता है। इसीलिए ज़िंदगी में अच्छे कर्म करें, फल थोड़ा देरी से ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।